प्रिया पटना। गुरुजी, यदि पति या बच्चे बहुत लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो क्या कोई उपाय या कोई पाठ है जिससे उनकी तबीयत ठीक हो? दुर्गा सप्तशती के सारे उपाय हमारे आरोग्य को अच्छा करते हैं। भगवान शिव से संबंधित सभी उपाय हमारे आरोग्य को अच्छा करते हैं। देव यज्ञ से संबंधित जितनी चीजें हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जितने मंत्र हैं, उपस्थान मंत्र हैं, आपका जो है मनसा परिक्रमा मंत्र है ना, ये सारे स्वस्ति वाचन है, शांति प्रणाम है, जितने भी मंत्र हैं, भूवैदिक संध्या है, ये सारे मंत्र आपके आरोग्य पर सबसे पहले काम करते हैं। और जितने वैदिक मंत्र हैं उनको दिन में प्रयोग करें, जितने शाबर मंत्र हैं या तांत्रिक तंत्रोक्त हैं या शिव से संबंधित हैं या देवियों से संबंधित हैं, उनका प्रयास करें कि उनको रात्रि काल में करें। जैसे कि शिवरात्रि और नवरात्रि नाम से पता चलता है, तो ये दोनों ऊर्जाएं रात्रि में अधिक फलीभूत होती हैं। दिन में हम देवता जो हमारे सूर्य हैं यानी कि विष्णु भगवान, उनसे संबंधित पूजा प्रार्थनाओं को करने से अच्छा होता है। सभी प्रकार के कवच, किसी भी भगवान का कवच, चाहे नारायण कवच है, चाहे हनुमान कवच है, चाहे वो शिव कवच है, अमोघ शिव कवच हमारे चैनल पर भी पड़ा है, उसके सुनने से, पढ़ने से या किसी के पढ़कर उस व्यक्ति के पूरे जैसे कवच को आपने लिखा, उस कवच को लिख करके भोज पत्र पर उसका छोटा सा एक कैप्सूल बना करके या उसका एक पत्रा बना करके किसी बीमार व्यक्ति की जेब में रख देंगे, उसको पढ़ करके 108 बार या जो उसकी निश्चित मात्रा है 54 बार, तो भी स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन होने लगता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव करणं अरमस्तु।